आज आईजी ग्वालियर रेंजर श्री अविनाश शर्मा को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने ग्राम अमरोल थाना चिनोर जिला ग्वालियर के अपराधियों द्वारा पुलिस थाना चिनोर से सांठगांठ कर अमरोल गांव के किसान करतार कुशवाहा और उसके चाचा मनीराम कुशवाहा अहिवरण कुशवाहा के साथ लाठी डंडो और धारदार हथियार से मारपीट की और करतार सिंह की जेब में कट्टा रखकर पुलिस को सुपुत्र कर दिया। इसके बाद थाना चिनोर पुलिस द्वारा करतार सिंह को गंभीर रूप से पीटा गया। जब वे मरणासन्न स्थिति में हो गया तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और करतार सिंह के ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज करा दी। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की मांग और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और अपराधियों पर जान से मारने का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन पत्र सौंपते समय प्रोफेसर विजय कुशवाहा ग्रामीण जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी डॉक्टर गजराज सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज के अध्यक्ष खेमराज कुशवाहा श्याम राम फूले मनोज भदौरिया और आदि लोग मौजूद थे। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। डीडी के लाए बातचीत करता रहे हमने तो फिर जिम्मेदार बातचीत कभी नहीं करी लक्ष्य नहीं करते। ये 8 जुलाई की घटना है। 8 जुलाई की देहात थाना है वहाँ चिनोर ग्राम अमरोल के करतार सिंह गुर्जर करतार सिंह कुशवाहा और उसके परिवार जनों के साथ मारपीट की उत्तम गुर्जर जो पड़ोस में गांव में रहने वाले थे उनका कोई आपस का मामला था बिजली को आपस में बांटकर खेती करने का। इस बहाने उन्होंने करतार को बुलाया 8 जुलाई को और उत्तम गुर्जर और उसके लड़के दो और उनके भतीजे वगैरह 6 लोगों ने इनके ये करतार और चाचा और इनका एक भाई 3 लोग ये थे और 2 लोग जब रास्ते में से निकल रहे तो इनके परिवार के 2 लोग और इकट्ठे हो गए। इनको 6 लोगों को बहुत ज़्यादा मारा। ये जो भी इन्होंने बताया है उभयपक्षी मारपीट और झूठा आर्म सेट का मामला पंजीबद्ध किया गया ऐसा इनका कहना है तो उस संबंध में हमने SP साहब ग्वालियर को पत्र लिख दिया है और उसमें बारीकी से हम जांच कराएंगे और जो भी तथ्य होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये चिनोर थाना।